हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी शाला वन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विलोम पार्ट फोर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों के लिए मैंने फिर ढूंढ के बहुत अच्छे अच्छे लाया हूँ विलोम शब्द। तो बात करते हैं विलोम शब्द की। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप लोगों से बात करता हूँ शब्द और विलोम शब्द की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आरओ एआरओ 2017 में आए हुए हैं ये। उसके बाद आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं निषिद्ध की। निषिद्ध यानी विहित, ठीक है। कहते हैं कोई चीज निषिद्ध है और कोई चीज विहित है, मतलब उसमें विहित है। और बात करें शुष्क, शुष्क क्या होता है? आर्ट, ठीक है। और अगर बात करें स्थूल की, बहुत ही कंफ्यूजन, स्थूल की यानी दुर्बल, सूक्ष्म, ठीक है, तन्वी, कई सारे होते हैं इसके विलोम शब्द। कंफ्यूजिंग है लेकिन होना नहीं है, आप एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। बिल्कुल कहते नहीं पृथक रूप से, बात करते पृथक रूप से, तो पृथक का क्या हो जाता है? संयुक्त, ठीक है। संयुक्त रूप से हमने ये मीटिंग जो है संयुक्त रूप से ली, अलग अलग ली, कहते नहीं पृथक रूप से। इसी तरह उपयोग का क्या हो जाएगा? अनुपयोग, कहते नहीं उपयोगी, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है ये वस्तु हमारे लिए दैनिक जीवन में, बहुत उपयोगी है, और फिर कह देते हैं ये तो अनुपयोगी चीज है, तो ये हो गया अनुपयोगी, ठीक है। निरुपयोगी, अनुपयोगी, निरुपयोगी। उसके बाद कहते हैं उद्यम, कहते कोई उद्यम कर लीजिए ये आलस्य, तो उद्यम का विलोम शब्द होता है आलस्य, ठीक है। उसके बाद करते हैं अघि, अघि या निरघ, अघि का विलोम शब्द हो जाता है निरघ। और अल्पज्ञ का बहुत ही आसान है, अल्पज्ञ आप लोगों को तो आसानी से कर सकते हो, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, कहते नहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यानी अल्पज्ञ का बहुज्ञ। और अचल की बात करें तो ये अचल है और अचल संपत्ति है, कहते हैं मतलब अचल है, एक ही जगह स्थिर है और चलने वाली संपत्ति, चल, ठीक है। उसके बाद जारज की बात करें तो जारज, जारज का होता है औरस, ठीक है। और उसके बाद कह देते हैं हया, हया यानी बेशरम, बेहया कहते नहीं है, हया, हया का विलोम शब्द हो जाता है बेशरम या बेहया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर नोट कर रहे थे तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।